बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल आपका? ठीक है? अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती रखे और खुशोबाद रखे। आमीन। आज मैं बनाने जा रही हूँ और आपकी खिदमत में लेकर आई हूँ मटन चटखारा। कढ़ाई लेकर आई हूँ मैं, 1.5 किलो के करीब मैंने मटन ली है। हड्डी और बोटी दोनों मिक्स है, दरमियाने से मैंने पीसेस कर लिए थे इसके। अब इसमें मैंने ग्रेवी वगैरह इसमें शामिल करनी है, क्योंकि मैं पहले मैरिनेट करूंगी मटन को अच्छी तरह से। 1 पाव के करीब मैंने दही ली है, 1.5 पाव के करीब वो इसमें शामिल कर लूंगा। जरा हल्का सा खटास हो, करारा पान मैंने रखना है, थोड़ा सा स्पाइसी हल्का फुल्का सा हो। और साथ इसमें मैंने 1 टीस्पून लहसुन के लिए और 1.5 टीस्पून इसमें मैंने अदरक की लिए, कम से ज्यादा आप रख सकती हूँ। अब इसमें मैंने 1.5 टीस्पून नमक के लिए और 1/2 टीस्पून इसमें मैंने हल्दी की शामिल की है। और 1/2 टीस्पून इसमें मैंने पीसी हुई लाल मिर्चों की शामिल की है। दो टीस्पून इसमें मैंने खुश्क धनिया, आज से मोटा मोटा सा कुट लिया तो वो शामिल किया है। अच्छी तरह से मिक्स कर लूं। सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूं। 1 से 2 घंटे के लिए मैं मैरिनेट रखूंगी फ्रिज में। टाइम मुझे तो बहुत है। अच्छी तरह से मिक्स कर लूं, फिर इसको मैं फ्रिज में रखती हूँ। और प्याज का जो मसाला मैं बनाती हूँ, कढ़ाई मैंने चूल्हे पे रख दी है। और 1 टेबलस्पून इसमें मैंने कढ़ाई मसाले का शामिल किया है, इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लूं। कढ़ाई मैंने चूल्हे पे रख दी है, आगे गर्म हो जाए फिर इसमें मैंने ऑयल शामिल करना है। 1 कप मैंने ऑयल लिया वो शामिल कर लूं इसमें। आप चाहे तो घी इस्तेमाल कर सकते हैं या तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको मुनासिब लगे। और ऑयल गर्म हो जाए फिर इसमें मैंने 2 मीडियम प्याज लिए वो शामिल करूंगी। अब ऑयल अभी इतना गर्म नहीं हुआ, 2 प्याज के पीस लिए मैंने मीडियम साइज के, वो इसमें शामिल कर दिए। अच्छी तरह से हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाए, क्योंकि मैंने ग्रीन ग्रीन स्लाइस से काटे थे प्याज को। मैंने 2 टमाटर लिए हैं, प्याज शामिल कर दिया। प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया, इसी तरह से हमने रखना है। और ये मैंने मैरिनेट के लिए रखा था, 1 घंटा हो गया। अब मैं इसमें रख रही हूँ, कढ़ाई में मिक्स कर रही हूँ। अच्छी तरह से साफ कर रही हूँ और अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। और कुछ मसाले मैंने लिए साबुत, ये मैंने दालचीनी का टुकड़ा लिया, 1/2 टीस्पून इसमें मैंने साबुत काली मिर्चों के लिए, 1 टेबलस्पून मैंने जीरे के लिए, 2 बड़ी इलायची ली है, 3 तेजपत्ता ली है मैंने 1/2 पीस, और जायफल जावित्री के कुछ पीस लिए उसमें शामिल कर दिए। अब इसको हमने पकाना नहीं है, बस दम पे रखना है, हल्की दम पे रखना है। और फिर इसको मैं 1.5 घंटे के लिए दम पे रखूंगी। अगर आपने प्रेशर कुकर में रखना है तो 30 मिनट के लिए काफी है। अब मैं 1.5 घंटे के लिए, टोटल मुझे 35 से 40 मिनट लग जाएगी, फिर मैं आपको दिखा दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मटन कढ़ाई हमारी तैयार है। बस इतना ही काफी है, मसाला ग्रेवी
अब इससे मैं कुकिंग मसाला शामिल करूंगी। इसके साथ मैंने साबुत हरी मिर्ची शामिल की है, मीडियम लो पे मैंने आंच को उतार दी है, बिल्कुल बस दस है। हरा धनिया ना मैंने इसमें शामिल कर रही हूँ और आज भी इसमें इसमें मैंने पीसे हुए गरम मसाले की लिए मैंने पीसा हुआ आधी टी स्पून से कम मैंने जीरा लिया पीसा हुआ उसमें मैंने शामिल किए और कुछ मैंने नींबू लिए छोटे वाले नींबू हैं लेमन उसमें शामिल कर रही और कुछ मैंने अदरक की पीसीस ली हैं वो शामिल कर रही हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मुझे सब्सक्राइब कर दिया करें अपने हमसायों से अपने रिश्तेदारों से और मुझे लाइक कर दिया करें शेयर कर दिया करें और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो कमेंट भी कर दिया करें और मुझे इजाज़त दें। मटन कढ़ाई चटखारेदार हमारी तैयार है, मैंने चूल्हे को बंद कर दिया और अब इजाज़त दें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।